ये देखिए खतरों के खिलाड़ी। अरे दांत सड़ जाएंगे भाई गन्ने खा के, दांत सड़ जाएंगे गन्ने खा के। अकेला बंदा है और पूरी की पूरी नाव चला रहा है एक चप्पू से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम आज? आज हम जा रहे हैं दमदमा लेक, जो कि है गुड़गांव से थोड़ा आगे। एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है और एक खूबसूरत सी लेक है। तो मनीष को भी मुझे पिकअप करना है 30,000। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आज के व्लॉग पे। सुना तो बहुत है इस लेक के बारे में, बहुत ही अच्छी लेक है, अब जाके पता चलेगा। और मनीष मेरे पीछे आ रहा है। आज पूरा ग्रुप नहीं है, सिर्फ मनीष और मैं हैं। धूप आ गई है और मज़ा भी आ रहा है धूप के साथ साथ बाइक चलाने में। भारत माता की जय। थोड़ा पीछे रह गया मनीष, तो स्लो करनी पड़ेगी मुझे। ये पूरा का पूरा वीआईपी एरिया है, एम्बेसीज वगैरह हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बीच में रोड, दोनों तरफ गार्डन ही गार्डन। जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। सोहन लाल एंड संस घोड़ी वाले। यार शादियों का ना माहौल है दिल्ली में, तो बहुत शादी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस ईयर मैं एक भी शादी अटेंड नहीं कर पाया। तो दोस्तों गुड़गांव में पहुँच चुके हैं हम, और अभी भी यहाँ से करीबन 17 किलोमीटर दूर है जहाँ हमें जाना है। और जो टाइम दिखा रहा है वो आधा घंटा दिखा रहा है, 34 मिनट्स पहुँचने का। बट मुझे नहीं लगता कि 34 मिनट्स में हम पहुँच पाएंगे जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। चलो ठीक है यार, पूरा दिन पड़ा है अपने पास और धूप भी आ चुकी है, हल्की हल्की गर्माहट लग रही है बॉडी में। और लेट्स गो। हाय हाय रे मिचाता, हाय हाय रे मिचाता, हाय 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 रे मिचाता, हाय हाय रे मिचाता, हाय 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 रे मिचाता, हाय हाय रे मिचाता, रे टा 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 ना 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 ना। खड़े हैं भाई आगे खड़े हैं, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। भाइयो 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 भाइयो, भाई साहब ये तो मसाला छोड़ते हुए जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पे बार भी है। अगर आपको फैमिली के साथ आना है यहाँ पर पार्टी करने, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस अभी हम हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पे और कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत थक गए हैं और करीबन 3 घंटे हमें लग गए, 3 घंटे में लग गए, हम भूल गए थे रास्ता। और चले कुछ खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था फूड और डिसेंट फूड था, गुड प्लेस। तो ये रास्ता जाता है नीचे लेक की तरफ, और ये दो छुटकू लाल गन्ने खा रहे हैं। अरे दांत सड़ जाएंगे भाई गन्ने खा के, दांत सड़ जाएंगे गन्ने खा के।
पता है तुम्हें दांत सड़ जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। अरे सड़ते हैं यार, अरे भाग गए। तो जी भाई, इस जानवर को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। अगर आप हरियाणा जयपुर वाले हाईवे में जा रहे होंगे तो जगह जगह में आपको ऊँट दिखाई दे देंगे, और राजस्थान में तो जहाज कहा जाता है। तो ये देखिए, एक नहीं यहाँ पे चार चार हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कैमल राइडिंग करनी है तो यहाँ पे कैमल राइडिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, दो लोग ऊपर खड़े हैं और वैसे चला रहे हैं। इंडिया में यार जुगाड़ों की कमी नहीं है, क्या मस्त जुगाड़ है। ये देखिए, खतरों के खिलाड़ी। तो दोस्तों, ये है वो झील जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और एक बात बताऊं, ये कोई नेचुरल झील नहीं है, ये बनाई हुई झील है। तो आर्टिफिशियल झील ये है, देखिए, लुक एट द व्यू। ये तो आपको मतलब थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। अंग्रेजों के टाइम पे ये बनाई गई थी। और अगर आपको बोटिंग पसंद है तो यहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। भाई साहब देखो, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अकेला बंदा है और पूरी की पूरी नाव चला रहा है एक चप्पू से। वैसे यार ये नाव आई थिंक रेसिंग वाली है, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा है रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है वैसे इस नाव को। सिर्फ एक ही इंसान होता है और एक या दो चप्पू होते हैं उसके हाथ में, देख सकते हैं। पूरा का पूरा खुद ही ले जा रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, बोटों की रेस हो रही है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि ऐसी नाव ये रेस के लिए भी यूज़ होती है, मैंने स्पोर्ट्स में देखा है। और मेहनत बहुत है, कुछ भी कहो, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अपने वेट को तो धकेलना होता ही है, साथ के साथ नाव के वेट को भी धकेलना होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये लेक, दमदमा लेक? और मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं और बाइक से आ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आपको या तो टैक्सी से आना पड़ेगा या अपने ही व्हीकल से आना पड़ेगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं, कैमल राइड भी कर सकते हैं और खाने पीने का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। तो अब चलते हैं दूसरे व्यू में, जहाँ पे थोड़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होगी। चले तो चलिए, पीते हैं गन्ने का जूस। भैया दो गिलास लगा दो। बचपन में बहुत पिया हमने गन्ने का जूस। तो लेक देखने के बाद हम अब आ चुके हैं एक्टिविटी देखने, करने नहीं, देखने, एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप शौकीन हैं। एक लड़की है ऊपर, देखो, ये देखिए, आप इंस्ट्रक्टर भी आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि आप अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ में फंस गए तो उसका ख्याल करने के लिए यहाँ पे है। और प्राइस आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, नॉमिनल प्राइस है 50 रुपये, 100 रुपये, 30 रुपये। छोटे बच्चों के लिए तो बेस्ट प्लेस है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। चलान काट रहा था, कह रहा है इस यहाँ पे एंट्री नहीं है, तुम कैसे आगे 5,000 का चलान है।